हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का थ्रोन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं रेलवे भर्ती के लिए जीके जीएस का जो अपना पार्ट है उसकी क्लासें अपने यहाँ पर रेगुलर चल रही हैं। और अभी तक हम बातचीत करें तो अपनी दो क्लासें यहाँ पर हो चुकी हैं, जिसमें पहली क्लास में हमने चर्चा की थी जो कि अपना जो सिलेबस है जीके जीएस का किस तरीके से रहेगा और किस क्रम में हम चीज़ों को आगे पढ़ेंगे, कौन सा सब्जेक्ट अपना पहले कवर करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस की थी। उसके बाद दूसरी क्लास में हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था इसी जीके जीएस के क्रम में, भारत के नामकरण के बारे में। ठीक है, उसके बारे में हमने बताया था लास्ट क्लास में, जो भारत के नामकरण के बारे में, भारत के जो 5 से 6 जो नाम हैं जो अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी चर्चा हमने लास्ट क्लास में की थी। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, हमने बताया था सबसे पहले आर्यव्रत के बारे में। आर्यव्रत जो नाम है भारत का, कैसे पड़ता है? आर्यों के आगमन के कारण। ठीक है, दूसरा फिर हमने नाम बताया था जम्बू द्वीप। ठीक है, तो भारत का जो जम्बू द्वीप नाम है कहाँ पर प्रयोग में किया गया था? प्राचीन और जो पौराणिक ग्रंथ है, ग्रंथों में क्या नाम प्रयोग किया जाता था? जम्बू द्वीप। ठीक है, उसके बाद में हमने बताया था भारत के बारे में, तो भारत का नाम जो भारत कैसे पड़ता है, एक राजा हुआ करते थे, कौन से? दुष्यंत, और उनके पुत्र हुए भरत। ठीक है, तो राजा दुष्यंत के पुत्र राजा भरत के नाम पे भारत का नाम क्या पड़ता है? भारत पड़ता है। ये जो राजा भरत है ये कौन से राजा रहेंगे? वैदिक काल के राजा रहेंगे, ना कि रामायण वाले जो भरत हैं वो रहेंगे। ठीक है, तो ये अपने को बात याद रखनी है, वैदिक काल के एक राजा हुए कौन से? राजा भरत, और उन्हीं के नाम पे भारत का क्या नाम पड़ता है? भारत पड़ता है। उसके बाद में हमने बताया था हिंदुस्तान नाम के बारे में। हिंदुस्तान नाम किसने दिया था? तो उसके लिए हमने एक नाम बताया था आपको, एक नाम याद रखना है, हितेश। ठीक है, और हितेश के जो फर्स्ट दो लेटर रहेंगे उनसे हम इसको याद रख सकते हैं, एच और आई। एच से क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान, और आई से क्या बताया था हमने? ईरानी। ठीक है, तो हिंदुस्तान नाम किसने दिया था? ईरानियों ने दिया था। उसके बाद में हमने बताया था किसके बारे में? इंडिया के बारे में। भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ता है? तो हमने बताया इंडिया नाम किसने दिया था? यूनानियों ने। ठीक है, और इसको याद रखने के लिए हमने क्या बताया था? आई लव यू वाला एक वर्ड बताया था, और इस आई लव यू से हम कैसे याद रख सकते हैं कि आई से क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा, और यू से क्या हो जाएगा? यूनानी हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर हमने बताया था भारत का जो संवैधानिक नाम रहेगा। ठीक है, यानी कि भारत का जो संवैधानिक नाम, या फिर हम यूँ कहें कि आर्टिकल 1 में जो नाम मेंशन है वो क्या नाम रहेगा? भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया, ये क्या रहेगा? भारत का संवैधानिक नाम रहेगा। तो कुल मिलाकर ये 6 नामों के बारे में हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी, क्योंकि इनमें से कई बार क्या है, सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हिंदुस्तान नाम किसने दिया था और इंडिया नाम किसने दिया, भारत का संवैधानिक नाम या आर्टिकल 1 में भारत के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है, इस तरीके से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो जिसने भी वो क्लास नहीं देखी हो, एक लास्ट वाली जो क्लास है, सेकेंड क्लास, उसको आप अवश्य देख लें। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास की अपनी यहाँ पर चर्चा करते हैं जीके जीएस के क्रम में। ये अपनी कौन सी? तीसरी क्लास रहेगी आज की। कौन सी क्लास रहेगी? तीसरी क्लास यहाँ पर रहेगी। ठीक है, और इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम चर्चा करेंगे। भौगोलिक स्थिति से संबंधित चीजें क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत की जो स्थिति है एशिया में कहाँ पर है, ग्लोब पर भारत की स्थिति कहाँ पर है, इस तरीके से सीधे क्वेश्चन। ठीक है, तो वहां पर पहुंचने के लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए किसके बारे में? अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में, और उसके बाद में फिर हम चर्चा करेंगे किसकी? भारत की स्थिति की। फिर हम देखेंगे भारत का विस्तार, देखेंगे भारत का क्षेत्रफल, सीमाएं। तो इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? अक्षांश रेखाओं की। हम किसकी बात करते हैं? अक्षांश रेखाओं की। हम बात करें ग्लोब पर, तो ग्लोब पर जो ये रेखाएं आप देख रहे होंगे कौन सी? पूर्व से पश्चिम की ओर। कौन सी? पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखाएं जा रही हैं, इन रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और दूसरी ओर जो ये रेखाएं आपको उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक आती हुई नजर आ रही हैं, ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक, ठीक है, इन रेखाओं को क्या कहेंगे हम? देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किसकी? अक्षांश रेखाओं की। ठीक है, बात करें अक्षांश रेखाओं की, तो अक्षांश रेखाएं क्या कहलाएंगी? पूर्व से पश्चिम की ओर भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। क्या याद रखना है? पूर्व से पश्चिम की ओर भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाएंगी? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो बात करें इन अक्षांश रेखाओं की, तो यहाँ पर अपने को 4-5
मुख्य बातें हैं जो याद रखनी है अक्षांशों से संबंधित। सबसे पहले तो 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं, यहाँ पे बात करें 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको किस नाम से जाना जाता है, भूमध्य रेखा के नाम से। किस नाम से को हम कहते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है। उसके बाद में उत्तर की तरफ एक अक्षांश रेखा आती है, कौन सी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये कौन सी हो जाएगी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और इसको किस नाम से जाना जाता है, हम बात करें तो क्या, करक रेखा के नाम से, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, करक रेखा, ठीक है। उसके बाद एक रेखा यहाँ पे आती है उत्तरी ध्रुव पर, 66.5 डिग्री, ये कौन सी हो जाएगी, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, आर्कटिक वृत्त, तो क्या कहते हैं इस रेखा को, आर्कटिक रेखा कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करें किसमें, दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव में जब हम बात करते हैं तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसको क्या कहते हैं, इसको नाम दिया जाता है मकर रेखा, ठीक है। और इसी तरीके से दक्षिणी ध्रुव पर एक रेखा आएगी 66.5 डिग्री, ये कौन सी हो जाएगी, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, और इसको क्या कहेंगे, अंटार्कटिक वृत्त, तो क्या नाम देंगे, अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। ये तो क्या हो जाएंगी, कुछ मुख्य रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है, मुख्य मुख्य अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। यानी कि क्या हुआ कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा के ऊपर का जो ध्रुव हो जाएगा उसको क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, और जो नीचे का हो जाएगा उसको क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव। यानी कि हम यूं कहें कुल मिला के कि अक्षांश और देशांतर इन दोनों के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी को कितने गोलार्धों में विभाजित किया गया है, तो कितने गोलार्ध हो जाएंगे यहाँ पर, 4 गोलार्ध। एक पहला गोलार्ध, ये कौन सा हो जाएगा, दूसरा गोलार्ध, ये कौन सा हो जाएगा, तीसरा गोलार्ध, और ये कौन सा हो जाएगा, चौथा गोलार्ध, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि अक्षांश और देशांतरों के आधार पर पृथ्वी को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो कितने कितने गोलार्धों में विभाजित किया गया है, तो क्या याद रखना है अपने को, 4 गोलार्धों में इसको विभाजित किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर रहे थे अक्षांशों के बारे में, हमारे में पूछ लिया जाता है अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। अगर अपने से अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछ ली जाए, ठीक है, रेखाओं की संख्या अगर पूछी जाए तो हमें क्या याद रखना है, रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 179। और यहाँ पर अक्षांश बिंदुओं की अगर संख्या पूछ ली जाए, बिंदु बिंदु अगर पूछ लिए जाते हैं तो कितने हो जाएंगे, 181, ठीक है। ये आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये क्या है, अक्षांश रेखाएं यहाँ से गुजर रही हैं, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, क्या बताइए, 179। ये कैसे हो जाएगी 179, अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 और बिंदु क्या हो जाएंगे, 181। इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि अपना जो अंतिम जो बिंदु है कौन सा, उत्तरी ध्रुव का अंतिम बिंदु, और इसी तरीके से यहाँ पे एक बिंदु है कौन सा, दक्षिणी ध्रुव पर अंतिम बिंदु, ठीक है। उत्तरी ध्रुव पर अंतिम बिंदु और दक्षिणी ध्रुव पर जो अंतिम बिंदु है, ये ओनली क्या रह जाते हैं, बिंदु स्वरूप में ही रह जाते हैं, ना कि किसी रेखा का निर्माण करते हैं। इसीलिए इन दोनों में क्या है, दो का अंतर पाया जाता है, इन दोनों में रेखाओं और बिंदुओं में क्या है, दो का अंतर यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो क्योंकि किसी रेखा का निर्माण होने के लिए क्या चाहिए, कम से कम दो बिंदु होने चाहिए, लेकिन अंतिम यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पर हम बात करें तो क्या बच जाता है, एक बिंदु, और नीचे क्या बच जाता है, एक बिंदु। इसीलिए हमें क्या याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, रेखाओं की बात करें तो क्या हो जाएंगी, दो कम, और बिंदुओं की बात करें तो क्या हो जाएंगे, दो अधिक, ठीक है। तो अक्षांश रेखाएं आपको समझ में आई, 179, और बिंदु क्या हो जाएंगे, 181, ठीक है। इसी तरीके से इधर हम बात करते हैं किसके बारे में, देशांतर रेखाओं के बारे में। ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाएंगी, देशांतर रेखाएं, ठीक है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाएंगी, देशांतर रेखाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, 0 डिग्री देशांतर की, 0 डिग्री देशांतर की, इसको क्या नाम से जाना जाता है, क्या कहेंगे, 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं ग्रीन विच रेखा, क्या कहते हैं, ग्रीन विच रेखा, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, ग्रीन विच रेखा, ठीक है। उसके बाद में इसमें अपने को ज्यादा बातें नहीं देखनी है, 0 डिग्री देशांतर रेखा हमें याद रखनी है, ग्रीन विच रेखा इसको कहते हैं। उसके बाद इनकी अगर संख्या पूछ ली जाए, देशांतर रेखाओं की संख्या पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी, 360, ठीक है। इनकी संख्या पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी, 360 रहती है। उसके
उसके बाद में अपने को एक रेखा और याद रखनी है। एक रेखा गुजरती है यहाँ से, कौन सी? 180 डिग्री देशांतर रेखा। ये कौन सी हो जाएगी? 180 डिग्री देशांतर रेखा। इसको क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या हो जाएगी? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या कहते हैं इसको? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, उसके बाद में एक अपना यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा और दूसरी ओर हम बात करें 0 डिग्री अक्षांश रेखा, कौन सी? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये दोनों आपस में एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? ये दोनों आपस में एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? ये जो क्षेत्र यहाँ पर आएगा इसकी हम बात करें तो ये क्या है? अटलांटिक महासागर है। क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। ठीक है, क्या याद रखना है? 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को कौन से महासागर में काटती हैं? तो हमें क्या याद रखना है? अटलांटिक महासागर। या फिर इसको घुमा के ये पूछ लिया जाए कि जो ग्रीनविच रेखा है और जो भूमध्य रेखा है एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं? तो हमें क्या याद रखना है? अटलांटिक महासागर से। या ये भी पूछ सकता है कि कौन से महासागर से ये रेखाएं गुजरती हैं? हमें क्या याद रखना है? अटलांटिक महासागर। ठीक है, उसके बाद में एक दूसरा क्वेश्चन हमें महासागर से संबंधित इसका याद रखना है, कौन सा? तो ये 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, यानी कि 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है ये कौन से महासागर से गुजरती है, ये आपसे पूछ लिया जाए तो ये कौन सा महासागर हो जाएगा? प्रशांत महासागर से। कौन से महासागर से गुजरती है? प्रशांत महासागर से। ठीक है, ये दो महासागर अपने को याद रखने हैं, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ठीक है, उसके बाद में इन अक्षांशों और देशांतर रेखाओं में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को ये याद रखना है कि जो अक्षांशीय रेखाएं हैं, ये अक्षांशीय रेखाएं क्या करती हैं? पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, अक्षांशीय रेखाएं क्या करती हैं? संपूर्ण वृत्त का निर्माण, पूर्ण वृत्त का निर्माण, वृत्त का निर्माण। ये आप देख रहे होंगे क्या बनता है? संपूर्ण वृत्त इनसे बन रहा है, किससे? अक्षांशीय रेखाओं से। लेकिन इधर हम बात करें किसके बारे में? देशांतर रेखाओं के बारे में। तो ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये क्या करती हैं? अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। किसका? अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। ठीक है, एक दोनों में ये अंतर अपने को याद रखना है। ये रेखाएं क्या? अक्षांशीय रेखाएं पूर्ण वृत्त का निर्माण करेंगी, और जो देशांतर रेखाएं हैं ये क्या करती हैं? अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अक्षांशीय जो रेखाएं हैं इनके मध्य अधिकतम दूरी कितनी होती है, या किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है, ये अपने से पूछा जाता है। तो ये कितनी हो जाएगी? दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी हो जाएगी? 111 किलोमीटर होती है। कितनी? 111 किलोमीटर अधिकतम दूरी। इधर बात करें कौन सी? देशांतर रेखाओं के बारे में। यहाँ पर अधिकतम दूरी की बात करें तो क्या है? किन्हीं दो देशांतर रेखाओं के मध्य भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलने पर क्या होती है? उनके मध्य की दूरी में कमी आती है। ठीक है, ये बात अपने को याद रखनी है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर देशांतर रेखाओं के मध्य क्या आएगी? कमी आएगी। इसमें अधिकतम दूरी अपने से पूछी जाती है, किन्हीं दो देशांतर रेखाओं के मध्य अधिकतम दूरी कहाँ पर रहेगी? तो हमें क्या याद रखना है? भूमध्य रेखा पर रहेगी, और ये कितनी रहेगी? 111.32 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 111.32 किलोमीटर रहेगी। ठीक है, इतनी बात हमें याद रखनी है किसके बारे में? अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो एक बार हम इसको नोट कर लेते हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें क्या पढ़ा है? जो अक्षांश और देशांतर के बारे में हमें याद रखना है, याद रखने योग्य इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर क्या रहेंगी? तो आप एक साइड में लिख लें अक्षांश रेखाएं और दूसरी साइड में लिख लें देशांतर रेखाएं। इधर लिख लें अक्षांश रेखाएं, ठीक है, और इधर आप लिख लें देशांतर रेखाएं। एक साइड में अक्षांश रेखाएं लिखें और एक साइड में लिखें देशांतर रेखाएं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बताया था? अक्षांश रेखाओं की संख्या। अक्षांश रेखाओं की अगर संख्या की बात करें, रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या की हम यहां पे बात करें, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो हमने क्या बताई थी? 179। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। और बिंदुओं की संख्या बात जाए, अक्षांशीय
बिंदुओं की संख्या। तो ये हमने क्या बताई थी, बिंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 181। इधर देशांतर रेखाओं की संख्या पूछ ली जाए, देशांतर रेखाओं की संख्या पूछी जाए तो कितनी रहेगी, 360 रहेगी। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। दूसरा हमने क्या बताया था, अक्षांश रेखाएं क्या करती हैं, दूसरा जो पॉइंट रहेगा, तीसरा पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं, तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, पूर्ण वृत्त का निर्माण। पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है, और इधर देशांतर रेखाओं की हम बात करें तो ये क्या करेंगी, अर्धवृत्त का निर्माण, अर्ध वृत्त का निर्माण करती है क्या, अर्धवृत्त का निर्माण करती है क्या, देशांतर रेखाएं। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या बताया था, अक्षांशों के बारे में, पहला पॉइंट क्या हो गया, संख्या के बारे में हो गया, दूसरा क्या हो गया, वृत्त और अर्धवृत्त के बारे में हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बताया था, इन दोनों के मध्य अधिकतम दूरी की बात की थी, दो रेखाओं के मध्य की दूरी की बात करें तो क्या हो जाएगी, मध्य की दूरी, मध्य की दूरी की बात करें तो क्या हो जाएगी, 111 किलोमीटर। ठीक है, किन्हीं दो अक्षांशों के मध्य अधिकतम दूरी, यानी कि दो अक्षांशों के मध्य तो दूरी रहेगी कितनी, 111 किलोमीटर। इधर देशांतरों के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर क्या हमने बताया था कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी में क्या आती है, कमी आती है। तो ये नोट कर ले, यहाँ पे मध्य रेखा से मध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, मध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मध्य की दूरी में कमी आती है, मध्य की दूरी में कमी आती है। ठीक है, ये बात अपने को याद रखनी है। और अधिकतम दूरी कहां पर रहेगी, भूमध्य रेखा पर अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी कितनी रहेगी, 111.32 किलोमीटर। क्या हो जाएगी, 111.32 किलोमीटर। ठीक है, किन्हीं दो देशांतर रेखाओं के मध्य अधिकतम दूरी कितनी रहेगी, 111.32 किलोमीटर, और ये कहाँ पर रहेगी, भूमध्य रेखा पर। तो अक्षांश और देशांतरों के बारे में मोटी मोटी ये चार पांच बातें अपने को याद रखनी है के बारे में। के बाद में हमने क्या बताया था, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा एक दूसरे को कहाँ काटेंगी, अटलांटिक महासागर में, और जो ग्रेनविच जो रेखा है, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि जो रेखा है, ये कौन से महासागर से गुजरती है, तो क्या बताया था, प्रशांत महासागर से। ठीक है, इतनी बातें याद रखनी है। उसके बाद हम आते हैं किसके के बाद हम बात करते हैं भारत की स्थिति के बारे में। ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपको समझ में आई, इनकी बात करें, नोट इसके जो नोट्स रहेंगे ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, ये जो कंप्लीट जो अपन यहां पर पढ़ रहे हैं इसके जो नोट्स जो रहेंगे ये आपको थ्रोन एजुकेशन जो टेलीग्राम चैनल है, कौन सा, थ्रोन एजुकेशन, थ्रोन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल जैसे आप सर्च करेंगे तो वहां पर जाएंगे तो आपको क्या है, कंप्लीट नोट्स की जो पीडीएफ जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। और इसके लिंक की बात करें तो ये भी आपको क्या है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं भारत की स्थिति के बारे में। ठीक है, भारत की स्थिति से संबंधित चार क्वेश्चन बनते हैं जो कि सीधे अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी हमने क्या बताया था कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी को कितने गोलार्धों में विभाजित किया गया है, चार गोलार्धों में।
कितने गोलार्धों में? चार गोलार्धों में संपूर्ण पृथ्वी को विभाजित किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, पूछा जाता है कि अक्षांशीय आधार पर जो भारत की स्थिति है वो कहाँ पर है। ठीक है, अक्षांशीय आधार पर अगर अपने से पूछ लिया जाए, हमने क्या बताया अक्षांशों के आधार पर पृथ्वी को कितने गोलार्धों में विभाजित किया गया है, दो गोलार्धों में। ये कौन सा हो जाएगा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो जाएगी। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और ये कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक है, और इस आधार पर हम बात करें किसकी, भारत की, तो भारत कहाँ पर रहेगा, ये यहाँ पर इसकी स्थिति रहेगी। यानी कि हमें क्या याद रखना है, अक्षांशीय आधार पर भारत की स्थिति कहाँ पर रहेगी, उत्तरी गोलार्ध में। अक्षांशीय आधार पर भारत की स्थिति कहाँ पर रहेगी, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, उसके बाद में दूसरा अपने से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि देशांतरीय आधार पर अगर भारत की स्थिति पूछी जाए, या देशांतरीय आधार पर, तो देशांतरीय आधार पर हमने क्या बताया था, पृथ्वी को कितने भागों में विभाजित किया गया है, उन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है देशांतरीय आधार पर। ये क्या हो जाएगी, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध, ये क्या हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध, और इधर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध, क्या हो जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, और यहां पर अगर हम भारत की बात करें तो भारत का क्या हो जाएगा, ये यहां पर भारत की स्थिति रहेगी। ठीक है, यहां पर, यानी कि देशांतरीय आधार पर हम बात करें तो भारत कहां पर रहेगा, कौन से देशांतर, कौन से गोलार्ध में रहेगा देशांतरीय आधार पर, पूर्वी गोलार्ध में। कौन सा गोलार्ध हो गया, ये वाला पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, ये बात अपने को समझ में आई यहां तक। उसके बाद में अक्षांश और देशांतर दोनों के आधार पर अगर अपने इसे पूछ लिया जाए, अक्षांश और देशांतर दोनों के आधार पर क्या बताया था, अक्षांश और देशांतरों के आधार पर चार भागों में, तो अक्षांशों के आधार पर पहले देख लेते हैं। ये देखिए एक बार, अक्षांशों के आधार पर देखें तो उत्तरी अक्ष, उत्तरी गोलार्ध और कौन सा, दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरीके से देशांतरों के आधार पर देखें तो कौन सा हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध और कौन सा, पश्चिमी गोलार्ध। कुल मिला के कितने गोलार्धों में संपूर्ण पृथ्वी हो गई, चार गोलार्धों में। ठीक है, अक्षांश और देशांतरों के आधार पर क्या हो जाएगी, चार गोलार्धों में। ठीक है, उसके बाद में तो अक्षांश और देशांतर आधार पर हम भारत की स्थिति की बात करें तो भारत कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा। यानी कि ये कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, ये उत्तर दक्षिण, और ये क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो ये कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो हमें क्या याद रखना है, अपने से पूछ लिया जाए अक्षांश एवं देशांतरीय आधार पर भारत की स्थिति पूछ ली जाए, या पूछ लिया जाए विश्व में भारत की स्थिति पूछ ली जाए, या कह दिया जाए कि ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या रहेगी, तो हमें क्या याद रखना है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में रहेगी। ठीक है, कहाँ पर रहेगी भारत की स्थिति, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब सबसे लास्ट में जो चौथी कंडीशन अपनी बनती है उसकी अगर हम बात करें, चौथी कंडीशन की अगर हम बात करें, ये क्या हो जाएगी, एशिया में पूछा जाता है, और हम बात करें एशिया में तो भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में रहेगी, एशिया में जब हम बात करते हैं तो भारत कहाँ पर रहेगा, इस जगह पर रहेगा। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, उत्तरी दक्षिण, कौन सा, पश्चिम। यानी कि एशिया में भारत कहाँ पर रहेगा, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में, या कौन सी दिशा में, दिशा पूछ ली जाए तो दक्षिणी पश्चिमी दिशा में। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी दिशा में या दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में। तो भारत की स्थिति से संबंधित ये चार, क्या चार कंडीशन यहाँ पर बनती है। ठीक है, क्या याद रखना है, गोलार्ध अक्षांशीय आधार पर पूछे तो क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, अक्षांशीय आधार पर भारत कहाँ पर हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में। देशांतरीय आधार पर हमने क्या बताया, कौन से देशांतर में हो जाएगा, कौन से गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, उसके बाद में क्या बताया, अक्षांश एवं देशांतर दोनों के आधार पर पूछ लिया जाए, या पूछ लिया जाए विश्व में भारत की स्थिति क्या है, या पूछ लिया जाए ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है, तो कौन से गोलार्ध में रहेगी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कौन से, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, और स्थिति कहाँ पर बनेगी, ये यहाँ पर। और एशिया में पूछा जाए तो कहाँ पर रहेगी भारत की स्थिति, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में, कौन से, इस वाले गोलार्ध में, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में, और ये क्या रहेगी, भारत की स्थिति। ठीक है, तो ये बनते हैं भारत की स्थिति से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं।
चार ही क्वेश्चन यहाँ पर अपने एग्जाम ओरिएंटेड बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत के विस्तार के बारे में। तो इसको आप नोट करना चाहें तो एक बार नोट भी कर सकते हैं, ये डायग्राम की फॉर्म में कर लें। बाकी नोट्स की बात करें तो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर, ये जो कंप्लीट जो नोट्स हैं ये आपको अवेलेबल हो जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो हम आगे नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। हमने क्या देखा अभी तक, भारत की स्थिति देखी। स्थिति के बाद में अपना जो अगला जो टॉपिक आता है वो क्या रहेगा, इसमें भारत का विस्तार पूछा जाता है। विस्तार में हम बात करें तो क्या अक्षांशीय विस्तार पूछ लिया जाता है भारत का, ठीक है। तो हम देखते हैं, अभी तक हमने अक्षांशों के बारे में पढ़ा और देशांतरों के बारे में, तो यहाँ पर अक्षांशीय और भारत का जो देशांतरीय विस्तार है कि हम यहाँ पे चर्चा करते हैं करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से अक्षांशीय विस्तार की। जब भी हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की यहाँ पर बात करेंगे, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार रहेगा क्या रहेगा, 8-4 से, क्या 8-4 से 37-6 उत्तरी अक्षांश, 8-4 से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रहेगा, ठीक है। कौन सा, भारत की मुख्य भूमि क्या रहेगा, भारत 8-4 के मध्य, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करें भारत के देशांतरीय विस्तार की, मुख्य भूमि के देशांतरीय विस्तार की, तो ये क्या हो जाएगा, 68-7 से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, क्या हो जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। उसके अलावा हम बात करें भारत की जो संपूर्ण भूमि की, अगर जब हम बात करते हैं अक्षांशीय आधार पर, ठीक है, तो भारत का जो सबसे अंतिम बिंदु आता है वो कहाँ पर आएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर, ये छोटे छोटे द्वीप समूह आप देख रहे होंगे, ये कौन से द्वीप समूह हो जाएंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारत का सबसे अंतिम बिंदु आता है, और ये कितने अक्षांश पर स्थित है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। इस पर 6 डिग्री 4 मिनट यानी कि 6-4 उत्तरी अक्षांश पर क्या है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु स्थित है, और ये कहाँ पर स्थित है, कौन से द्वीप समूह पर, ग्रेट निकोबार पर, इस पर स्थित है ग्रेट निकोबार पर, ग्रेट निकोबार पर ये स्थित है ये बिंदु, ठीक है। अक्षांश और देशांतर के बारे में क्या याद रखना है, अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमिका तो 8-4 से क्या हो जाएगा, 37-6 उत्तरी अक्षांशों के मध्य, और संपूर्ण भूमि की अगर बात करें अक्षांशीय विस्तार की तो 6-4 से क्या हो जाएगा, 37-6 तक हो जाएगा, ठीक है। और देशांतर इसी तरीके से, देशांतर क्या हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। यहाँ पर अपने को पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में खास तौर से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्या बात याद रखनी है, हम जब बात कर रहे थे भारत की स्थिति के बारे में तो क्या था कि जो संपूर्ण भारत रहेगा कौन से गोलार्ध में स्थित है, चारों कंडीशन में, उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ पर आप देखिए उत्तरी गोलार्ध में, ये भी उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, और ये भी क्या है, उत्तरी गोलार्ध में। किस आधार पर, अक्षांशीय आधार पर। देशांतरीय आधार पर देखेंगे तो कौन से देशांतर में स्थित है, पूर्वी देशांतर यानी कि पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो जो भी कंडीशन बनेगी क्या बनेगी, उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश के मध्य रहेगा और पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर के मध्य रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार बताइए। तो आपको क्या करेगा, एक ऑप्शन दे देगा, पहला 8-4 उत्तरी अक्षांश से 37-6 उत्तरी अक्षांश के मध्य, ठीक है। दूसरा क्या दे देगा, 8-4 उत्तरी अक्षांश से 37-6 दक्षिणी अक्षांश, उत्तर से क्या कर दिया, दक्षिण कर दिया। तीसरा उल्टा दे देगा, 37-6 उत्तरी अक्षांश से 8-4 दक्षिणी अक्षांश। इस तरीके से उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में क्या करता है, जो एग्जामिनर है वो अपने को कंफ्यूज करता है, और उसी में अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। क्या याद रखना है, उत्तर से उत्तर रहेगा और पूर्व से क्या रहेगा, पूर्व रहेगा, बस इतनी बात अपने को याद रखनी है, ठीक है। तो ये अपना हो गया अक्षांशीय और क्या, देशांतरीय विस्तार, ठीक है। उसके बाद हम बात करें देशांतरीय विस्तार की, जब हम बात करते हैं तो जो भारत की लंबाई की यहाँ पर बात करें, तो सबसे पूर्वी बिंदु है और जो सबसे पश्चिमी बिंदु है उसके मध्य अगर भारत की लंबाई की बात करें तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर भारत की लंबाई कितनी हो जाएगी,
2933 किलोमीटर। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करें उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है और जो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है, इनके मध्य अगर हम लंबाई की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये बात अपने को याद रखनी है। इसके जो नोट्स हैं आपको बनाना नहीं है, परेशान नहीं होना है, आप यहाँ पर चीज़ों के बारे में समझें। ठीक है, तो कंप्लीट जो नोट्स रहेंगे वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, और वो हमने पीडीएफ उसकी डाल भी दी है टेलीग्राम पे, जो फर्स्ट जो अपना चैप्टर चल रहा है इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, उसका आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। ठीक है, और वो जो पीडीएफ है वो आप अपने सामने लेके बैठें, और उसके साथ साथ में जो ये चीज़ें हैं ये आप समझते चलें, आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है कि आप खुद के नोट्स भी बना रहे हैं इस तरीके से। तो सारे जो क्लास से रिलेटेड जो सारे कंप्लीट जो नोट्स रहेंगे वो आपको टेलीग्राम पर समय समय पे मिलते रहेंगे, और जो अब जो क्लास चल रही है इसके नोट्स क्या है आपको वहाँ पर उपलब्ध हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके उनको प्राप्त कर लें। ठीक है, उसके बाद में ये तो हुआ अपना अक्षांशीय और देशांतरीय आधार पर। ठीक है, उसके बाद में भारत का क्या पूछा जाता है, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु। ठीक है, तो ये जो हमने बताया भारत का सबसे उत्तरी बिंदु अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा बिंदु रहेगा, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा रहेगा, तो इसको क्या कहते हैं, इंदिरा कोल, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा कोल कहते हैं, इंदिरा कोल इसको कहा जाता है। ठीक है, भारत का सबसे अंतिम बिंदु की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, और ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पर रहेगा, ग्रेट निकोबार में, कहाँ पर रहेगा, ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणतम जो पॉइंट है, यानी कि जो सबसे दक्षिणतम जो द्वीप समूह रहेगा उस पर स्थित रहेगा ये बिंदु कौन सा, इंदिरा पॉइंट। और बात करें इस इंदिरा पॉइंट की अन्य नामों की, तो इस इंदिरा पॉइंट को किस अन्य नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन इसको आप लिख लें, पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन और अन्य इसका क्या नाम हो जाएगा, पार्सन पॉइंट भी इसको कहते हैं, पार्सन बिंदु, पार्सन पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट या यूं कह लें पिग्मेलियन पॉइंट, या फिर हम इसको कह लें क्या, पार्सन पॉइंट। ठीक है, इतनी बात हमें याद रखनी है, किसकी, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा, इंदिरा कोल, और सबसे दक्षिणी क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, संपूर्ण भूमि का। बात करें भारत की जो मुख्य भूमि है उसका जो अंतिम पॉइंट है या अंतिम बिंदु है इसको क्या कहते हैं, इसको हम जानते हैं कन्याकुमारी के नाम से, क्या कहते हैं इसको, कन्याकुमारी। ये कन्याकुमारी कहाँ पर रहेगा, तमिलनाडु में, कहाँ पर, तमिलनाडु में। और इसी कन्याकुमारी के अन्य नाम की हम बात करें तो इसको क्या नाम देते हैं, कैप कैमोरिन, क्या कहते हैं, कैप कैमोरिन बिंदु भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कैप कैमोरिन बिंदु के नाम से भी जाना जाता है, और ये कहाँ पर रहेगा, तमिलनाडु में। कहाँ पर रहेगा, तमिलनाडु में, और ये कहाँ पर था, ग्रेट निकोबार में। ठीक है, और इंदिरा कोल की बात करें तो ये कहाँ पर रहेगा, लद्दाख में। ठीक है, ये कहाँ पर रहेगा, लद्दाख यूटी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, भारत का ये वाला जो बिंदु रहेगा सबसे पश्चिमी, ये क्या रहेगा, गोहर माता, इसको क्या कहते हैं, गोहर माता, और ये गोहर माता है ये कहाँ पर पड़ता है, सरक्रिक गुजरात में, गोहर माता, सरक्रिक, सरक्रिक गुजरात गोहर माता, सरक्रिक गुजरात में। ठीक है,
भारत का सबसे पश्चिम बिंदु जो कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, को क्या नाम दिया जाता है? गोहर माता, और गोहर माता कहाँ पर रहेगा? उत्तर क्रीक, गुजरात में। और भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु रहेगा इसको क्या कहते हैं? किबिथु के नाम से जाना जाता है। क्या? किबिथु। और ये किबिथु कहाँ रहेगा? वालांगू, अरुणाचल प्रदेश में। किबिथु, वालांगू, वालांगू, अरुणाचल प्रदेश। किबिथु, वालांगू, अरुणाचल प्रदेश में स्थित रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? भारत के उत्तरी और पश्चिमी बिंदु, यानी कि भारत के चारों दिशाओं में जो अंतिम बिंदु है वो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें यहां तक आपके समझ में आई? ठीक है, और इनके नोट्स क्या हैं, आप कंफ्यूज ना हो इसके नोट्स बनाने में। मैंने बार बार आपको बताया कि इसकी जो पीडीएफ है नोट्स की, वो आपको जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहां से आप ले सकते हैं, और तब जो कंप्लीट जो नोट्स रहेंगे वहां पर आपको अवेलेबल होते रहेंगे। तो अपनी बात करें किसके बारे में, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की हमने यहाँ पे बात की, और भारत के विस्तार की। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे अक्षांश और देशांतरों के बारे में, ठीक है, तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार में क्या पाया जाता है? 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है। कैसे? क्या बताया था? भारत का जो देशांतरीय विस्तार है क्या है? 68.7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। ठीक है, तो इस 68.7 और 97.25 के मध्य अगर हम अंतर की बात करें तो इसके मध्य कितना अंतर है? टोटल ये 30 डिग्री का अंतर है। कितना? 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है। और इसी 30 डिग्री के अंतर के कारण क्या है, भारत का जो पूर्वी बिंदु है और जो पश्चिमी बिंदु है, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के मध्य में क्या है, लगभग 2 घंटे का समय अंतराल पाया जाता है, यानी कि 120 मिनट का समय अंतराल यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें ये समय अंतराल कैसे निकल के आता है, तो हम जब पृथ्वी की बात करते हैं, पृथ्वी के घूर्णन काल की जब हम बात करते हैं, तो संपूर्ण पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है? लगभग 24 घंटे। कितना है? 24 घंटे। यानी कि हम यूं कहें कि 24 घंटे में पृथ्वी कितनी चलती है? 360 डिग्री चलती है, या 360 डिग्री क्या क्या करती है? घूमती है। इसी तरीके से हम बात करें 1 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री चलेगी या कितने डिग्री घूमेगी, तो 360/24 यानी कि 15 डिग्री। ठीक है, यानी कि 15 डिग्री घूमती है। कितनी? 1 घंटे में। या फिर हम एक कह सकते हैं कि 1 घंटे में डिग्री 15, सॉरी, 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूम, ठीक है, 15 डिग्री घूमने में समय लेती है कितना? 60 मिनट का। इसी तरीके से 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितना समय लेगी? 60/15 यानी कि 4 मिनट का यहाँ पे पृथ्वी समय लेती है। ठीक है, इसी तरीके से हमने यहाँ पे अंतराल की बात की थी, भारत का जो पूर्वी बिंदु और जो पश्चिमी बिंदु है, ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी इन दोनों के मध्य कितने डिग्री का अंतराल पाया जाता है? 30 डिग्री का अंतराल। तो पृथ्वी 30 डिग्री घूमने में समय कितना लेगी? 30 × 4 यानी कि 120 मिनट, या फिर हम यूं कहें कि कितने 2 घंटे का यहाँ पे क्या लेती है? समय लेती है। इतनी बातें हमने देखी भारत के बारे में, तो ये हमने देखा अक्षांश और देशांतर के बारे में। बाकी हम चर्चा करेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में, जो बाकी की जो चर्चा रहेगी वो हम कल की क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। अभी हमें एक अक्षांश रेखा और एक देशांतर रेखा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अक्षांश रेखा की बात करें तो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा में पढ़नी है, यानी कि करक रेखा, और देशांतर रेखा की हम बात करें तो एक रेखा पढ़नी है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको हम क्या कहते हैं, भारतीय मानक समय रेखा के नाम से भी हम उसको जानते हैं। ये चर्चा हम करेंगे कब? कल की क्लास में। तो आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और टेलीग्राम पर जाके वहाँ से जो ये नोट्स जो हैं इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें, और वो नोट्स अपने साथ में लेके बैठे, पढ़ते समय आपको भी परेशानी नहीं होगी, और जल्दी जल्दी अपनी क्या है क्लास कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगी।